हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ ही स्टेप से सिल्वर एंड येलो टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ। जैसे मैं इस वाला फ़ोटो को लेता हूँ, एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम ऐड हो चुकी, ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाते हैं कलर टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम कुछ नहीं करेंगे, एंड यहाँ से टिंट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो टिंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +14, एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, तो वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +12, एंड यहाँ से सैचुरेशन की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +14, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से रेड कलर के लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो रेड कलर के लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +14, एंड नेक्स्ट जाते हैं ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो नेचुरल लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -6, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। तो इसे रखते हैं -10, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +21, एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +12, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +53, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज कर देंगे, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +40, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे हम -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे +100, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +26, एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे, एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी सेचुरेशन को करेंगे -100, एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे, एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे हम -100, एंड नेक्स्ट जाते हैं पर्पल कलर पे, एंड यहाँ से इसकी भी सेचुरेशन को करेंगे हम -100, एंड ऊपर से कर देंगे डन। एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रेडिंग ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जाएंगे हम सेकेंड वाला ऑप्शन पे, जो कि है मिड टोन का ऑप्शन। तो गाइस, इस पर क्लिक करेंगे, एंड अपनी फिंगर की सहायता से फिंगर को स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को हम अपनी फोटो में परफेक्ट रूप से मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मैं मिलाता हूँ, ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपनी फोटो में इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को परफेक्ट रूप से मिलानी है। तो गाइस, इसकी ह्यू है 219 एंड सेचुरेशन है 58, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +15, एंड यहाँ से ब्लेंडिंग की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, तो ब्लेंडिंग की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +81, एंड यहाँ से बैलेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -24, एंड नेक्स्ट जाते हैं थर्ड वाला ऑप्शन पे, जो कि है हाईलाइट का ऑप्शन। इसमें हम क्लिक करेंगे, एंड अपनी फिंगर की सहायता से इसकी भी ह्यू एंड सेचुरेशन को हम मिलाएंगे। ठीक है, जैसे मैं मिलाता हूँ, ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपनी फिंगर को स्लाइड करते हुए अपनी फोटो की ह्यू एंड सेचुरेशन को परफेक्ट रूप से मिलानी है। तो गाइस, इसकी ह्यू है 242 एंड सेचुरेशन है 33, एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं -10, एंड ऊपर से कर देंगे डन। अब हमारी फोटो की हम लाइट को परफेक्ट रूप से सही करेंगे, तो उसके लिए जाएंगे हम लाइट के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू को करेंगे हम -0.20, एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा
इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहां करेंगे हम प्लस 10 एंड यहां से हाइलाइट्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, तो हाइलाइट्स की वैल्यू को यहां करेंगे हम माइनस 25 एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट को ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहां पर क्लिक करेंगे एंड यहां से टेक्सचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, तो इसकी वैल्यू को यहां करेंगे हम माइनस 8 एंड यहां से क्लैरिटी की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो गाइस क्लैरिटी की वैल्यू को यहां करेंगे हम प्लस 15 एंड यहां से डीएच की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, तो डीएच की वैल्यू को यहां से कर देंगे हम माइनस 4 एंड यहां से विनेट की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को यहां करेंगे हम माइनस 17 एंड यहां से फेदर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो गाइस फेदर की वैल्यू को यहां करेंगे हम प्लस 67 एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहां पर क्लिक करेंगे एंड यहां से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो इसे रखते हैं 12 एंड यहां से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे, ठीक है। तो इसे रखते हैं 15 एंड नीचे आते हैं यहां पर है कलर नॉइस रिडक्शन एंड इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। तो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूं, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।